इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 10 प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न 5 अंक का आपके परीक्षा में आ जाता है। इसमें कुल 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न सिद्ध करना है, सरल समीका के रूप में दिया हुआ है। अभी आप इस व्हाइट बोर्ड पे 5 प्रश्न देख रहे हैं, आइए 1 से लेकर 5 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को एक एक करके समझ के साथ हल करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऐसे प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, इसको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ते हैं। यहाँ पहला का उत्तर समझते हैं, यहाँ लेके चलते हैं LHS। LHS में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा पहले यहाँ लिख लेते हैं और माइनस है कॉट थीटा और सबका है होल स्क्वायर। अब देखिए बढ़ते हैं कैसे, तो यहाँ साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ लेंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है कौन कौन सा सूत्र याद रखना है। सबका स्क्वायर है तो यहाँ भी सबका स्क्वायर कर देंगे। अगले स्टेप में साइन एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो जब एलसीएम हो गया दोनों में साइन थीटा है तो यहाँ होगा 1 माइनस कॉस थीटा, सबका वर्ग है तो यहाँ भी हम वर्ग कर देंगे। यहाँ अगले स्टेप में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस कॉस थीटा ये होगा और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि वर्ग है तो दो बार लिखेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर ज्यों का त्यों 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा अब 1 या 1 स्क्वायर बात बराबर है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल कर देते हैं, इसके बाद क्या होगा, यहाँ बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही RHS में सिद्ध करना है। तो यहाँ एक प्रश्न सॉल्व हो गया, मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। आइए देखिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को सिद्ध करेंगे क्योंकि इससे आपका 5 अंक एकदम बिल्कुल निश्चित है, फिक्स है। कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इजकल टू 2 sec a, ये है। तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ LHS लेके चलेंगे। LHS क्या दिया हुआ है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो यहां देखिए ये ऑलरेडी कॉस ए साइन ए के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे LCM पहले ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों गुना हो जाएगा। अब इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे, तो यहाँ गुना होगा कॉस ए इंटू कॉस ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए है और यहाँ 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए ये हो जाएगा यहाँ होल स्क्वायर, ये स्पष्ट हो रहा है। अब अगले स्टेप में यहाँ हो जाएगा
कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए यहाँ वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए स्क्वायर अर्थात एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात साइन ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू वन इंटू साइन ए, बटा में जो है वो ज्यों का त्यों चलेगा, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं आपको, अब ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर मिलके एक हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो ये जो है ये मिलके क्या हो गया एक, और ये एक स्क्वायर क्या हो गया एक, यहाँ क्या हो गया प्लस दो गुना एक दो, और ये हो गया साइन ए बटा वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये अगले स्टेप में ये जुट गया, यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या होगा दो, तो हो गया यहाँ दो प्लस दो साइन ए बटा वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इसमें दोनों में दो उभय निष्ठ है तो यहाँ कॉमन निकाल लेंगे, दो क्या बचेगा यहाँ एक प्लस साइन ए बटा, यहाँ वन प्लस साइन ए ऑलरेडी पहले से है तो वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए दिया हुआ है। अब यहाँ वन प्लस साइन ए, यहाँ वन प्लस साइन ए, इसको हम काट देंगे, बचेगा क्या दो गुना एक बटा कॉस ए। ठीक है, क्या हो जाएगा दो इंटू कॉस ए, क्या होता है एक बटा कॉस ए होता है सेक ए, तो आ गया हमारा टू सेक ए, यही लाना था, तो ये क्या हो गया RHS, हमने LHS से चल के RHS पर हम पहुंच गए, तो हमारा ये सर्वसमिका जो है प्रूफ हो गया। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही आसान शब्दों में आसान मेथड से समझा रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, थोड़ा सा लंबा है, महत्वपूर्ण भी है, समझ में भी आपको आ जाएगा। तीसरा में LHS लेके चलते हैं, तो LHS में क्या दिया है tan थीटा बटा वन माइनस cot थीटा, फिर है प्लस cot थीटा वन माइनस टेन थीटा, ये प्रश्न का LHS भाग है, टेन थीटा बटा वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा वन प्लस टेन थीटा। अब ऐसे प्रश्न में सबको साइन बटा कॉस, जहाँ भी आपको कुछ समझ में नहीं आए साइन बटा कॉस के पद में तोड़ दीजिए। चलिए तोड़ते हैं इसको, टेन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, एक है यहाँ कॉट थीटा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे, ये कॉट थीटा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ है वन माइनस टेन थीटा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बस इतना पहले स्टेप में। तो यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा, ये साइन थीटा यहाँ चला आएगा, एलसीएम निकलेगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा, ये यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा गुना होगा तो माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये होगा। अब अगले स्टेप में ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अब देखिए ये गुणा होगा तो पलट जाएगा, यहाँ पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा गुणा, साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा इस तरह से,
प्लस का चिन्ह है, इसमें भी वही करेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये भाग, और ये जो है गुणा होगा तो पलट जाएगा, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। स्पष्ट है, इतना समझ में आ रहा है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ है साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, और ये कोष्ट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ चिन्ह है प्लस का, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा, ये है साइन थीटा, और यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ कॉस माइनस साइन है, या साइन माइनस कॉस, तो किसी एक को हमें सुधारना होगा ताकि ये दोनों बराबर आ जाए। अगले स्टेप में हम इसे सुधारेंगे, माइनस वन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये पद माइनस कर देगा। तो आइए देखते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, यहाँ ये माइनस हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ इसको पलटना है, कॉस थीटा माइनस साइन है, हम साइन माइनस कॉस करेंगे, तो ये माइनस जो है उठ के यहाँ चला है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू, अब हो जाएगा उल्टा क्योंकि माइनस निकाल लिए हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये पद दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, अब एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, और ये दोनों में है, तो हो जाएगा एलसीएम कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा इतना, कॉस थीटा साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है तो एक ही रहेगा, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ इस पद से भाग देते हैं तो कॉस कॉस कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा क्या साइन, तो इस साइन से इसमें गुणा करना होगा स्क्वायर में, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक उसी प्रकार साइन से साइन कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल, बचेगा क्या कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा होगा, तो माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये हो गया। अब यहाँ देखना ये है कि ये एक सूत्र पे आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो इसी सूत्र पे इसको बैठाएंगे, ए के जगह पर है साइन थीटा, बी के जगह पर है कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, अब होता है ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस माइनस रहेगा तो प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस है तो यहाँ प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये। अब नीचे जो बटा में है वो ज्यों का त्यों लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब ये देख रहे हैं हम कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है तो ये कैंसिल हो गया। आइए अब यहाँ देखते हैं, इसको देखते हैं, ये बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसा तोड़ के बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा ये क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इतना बचा। अगले स्टेप में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब ये दो पद है, एक प्लस इतना, तो दोनों में अलग अलग कर देंगे, एक बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये कट गया, बचा क्या एक, और ये होगा एक बटा साइन थीटा और गुना एक बटा कॉस थीटा, चूंकि दोनों बटा में है तो दोनों को अलग अलग हम तोड़ दे रहे हैं, सूत्र पे लाएंगे आप प्लस एक। अब ये क्या हो जाएगा, एक बटा साइन थीटा तो हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है, और एक बटा कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा आप प्लस वन। यही हमें आरएचएस में सिद्ध करना है। तो आरएचएस में हमें यही सिद्ध करना है, तो एलएचएस से हम लेके चले हैं, आरएचएस में पहुंच गए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जरूर है, किंतु आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि एग्जाम में यही प्रश्न आ जाता है तो आप इसे अवश्य ही लिख देंगे। वीडियो थोड़ा सा अब लंबा होने लगा है, तो शेष प्रश्नों का उत्तर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।